हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कवर करेंगे 2 अगस्त 2023 का फुल पत्ती करंट अफेयर्स फुल रिवीजन। और इसमें मैंने हर दिन की तरह कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर दिया है, और हम लोग जो है ऑरेली कुछ ना कुछ जरूर डेली कवर करते हैं, तो उसी तरह कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, मैं कंटेंट में कभी भी कमी नहीं करता हूँ आप लोगों के बीच, मैं कंटेंट पूरा आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, कभी कभी जो है वीडियो नहीं आ पाता है, इसके पीछे मेन रीज़न यह है कि मैं अकेला हूँ और मुझे अकेला ही सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, मेरे साथ में कोई भी पार्टनर नहीं है जो कि इस मुहिम को आगे बढ़ा सके, तो मैं अकेले ही सब कुछ करता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि मेरे साथ यानी कि थोड़ा बहुत हेल्प करते हुए चलेंगे, तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम का नीचे दे दिया है, साथ ही वहाँ पर आपको PDF भी मिलेगा, और कोई भी अगर सूचना हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो यह जीता है MI न्यूयॉर्क ने जीता है। सबसे पहले ये जानिए कि जो US T20 लीग है इनका नाम क्या है, मेजर लीग क्रिकेट, और ये कहाँ पर हुआ, US मतलब अमेरिका में हुआ। ठीक है, देखिए इसका जो पहला संस्करण ही था, ये पहला संस्करण ही खेला गया, इसी में जो पहला संस्करण जीता वो MI न्यूयॉर्क ने जीता। फिर आप कहेंगे कि मैंने तो MI यानी कि मुंबई इंडियंस का नाम सुना है, तो जी हाँ वही है ये MI न्यूयॉर्क, लेकिन ये विदेश में खेला गया है यानी कि वहां पर सिर्फ विदेश के खिलाड़ी खेलते हैं, इंडिया का खिलाड़ी एक भी नहीं खेलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है MI न्यूयॉर्क, इस तरह से नाम उनका पड़ा है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क का ही टीम है, लेकिन ये चूंकि MI यानी कि रिलायंस कंपनी का ही है, तो इसलिए यहाँ पे MI लगा हुआ है, तो MI न्यूयॉर्क। ठीक है, ये पहला संस्करण था, जीता किसने, MI न्यूयॉर्क ने जीता। कुल टीमों ने इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था, और ये आपको पता है ना आयोजन कहाँ पे हुआ, टेक्सास USA में हुआ। ठीक है, IPL 2023 में फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया था, दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया। ठीक है, मैं देखिए आपको बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिस किससे, तो IPL से आपको पता होगा ना कि IPL जो हुआ इस बार, ये 16वां संस्करण था। कितना, 16वां संस्करण था, कुल 10 टीमों ने भाग लिया। CSK जो है इसमें जीता, ठीक है, और जो गुजरात है वो हार गया था इसमें। ठीक है, CSK के तरफ से MS धोनी कैप्टन थे, और जो जो गुजरात की तरफ से हार्दिक पांड्या कैप्टन थे। इसमें जो देखा जाए तो चेन्नई जो है टोटल 5 बार जीत चुकी है फाइनल को, IPL फाइनल को, इससे पहले MI यानी कि मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीत चुकी है। ऐसा देखा जाए तो टोटल जो है ये 16वां संस्करण था, जिसमें से 10 तो दो ही टीमों ने जीत लिया, एक तो CSK एक MI ने, 5-5। अब देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि इस जो IPL 2023 हुआ, इसमें जो है ऑरेंज कैप दिया गया किसको, ऑरेंज कैप दिया गया आपको बताना है इसको शुभमन गिल को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाया था। और जो पर्पल कैप दिया गया ये मोहम्मद शमी को दिया गया, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट, 28 विकेट लिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना था। आगे, पहली प्रीमियर वॉलीबॉल लीग ये जो है जयपुर में खेला गया, और जयपुर में ये होस्ट हुआ, और ये महाराष्ट्र इसमें विजेता रहा, किसको हरा करके, यूपी को हरा करके। महिला प्रीमियर लीग विजेता जो है MI यानी कि मुंबई इंडियंस का टीम रही। देखिए आपको पता है ना WPL वुमेन प्रीमियर लीग, और एक होता है IPL, ये तो आपको पता है IPL जो है ये पुरुष का होता है, लेकिन महिला का भी इस बार जो है पहला ही संस्करण हुआ था, WPL जिसको कहा गया, यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग जो है इसमें विजेता टीम मुंबई रही। इसमें पता है आपको कुल जो है इसमें जो है देखा जाए MI और जो दिल्ली के बीच खेला गया था मैच, जिसमें MI जो है जीती, और MI की तरफ से हरमनप्रीत कौर जो है ये कैप्टन थी। आपको ध्यान रखना है कि जो वुमेन प्रीमियर लीग है इसमें सबसे जो महंगी खिलाड़ी है वो स्मृति मंदाना है, जो कि RCB की तरफ से खेलती हैं। ठीक है, आगे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है, और जो न्यूयॉर्क में ही UN का मुख्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है। गगनचुम्बी इमारतों का शहर जो न्यूयॉर्क को ही कहा जाता है। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने हेतु समझौता किया है? तो वो पापुआ न्यू गिनी के साथ किया है। आपको समझना चाहिए ये इंडिया स्टैक क्या है। ये इंडिया स्टैक मतलब हुआ कि जैसे आपको पता है कि इंडिया में जो है UPI भुगतान पेमेंट सिस्टम है, बायोमेट्रिक पहचान के लिए बायोमेट्रिक है,
और डिजिटल लॉकर ये सभी उपलब्ध है कहाँ पे, भारत में, भारत का ये है। तो भारत ने ही ये सभी के लिए जो है साझा किया है, किसको, किसके, पापुआ निगिनी साथ में, क्योंकि ये पापुआ निगिनी जो है इंडिया का जो भी यूपीआई सिस्टम है, बायोमेट्रिक पहचान है, डिजिटल लॉकर है, इनको जानना समझना और ये अपने यहाँ पे लागू करना चाहता है। इसके लिए जो है इंडिया स्टैक जो हुआ है, यानी कि साझा हुआ है पापुआ न्यू गिनी के साथ। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं, इंडिया स्टैक जो है पहले ही किसके किसका साथ हो चुका है, आर्मेनिया के साथ, सियेरा लियोन के साथ, सूरीनाम के साथ, बरमूडा के साथ, ठीक, यानी कि बारबूडा के साथ, ये सभी जो है ऑलरेडी जो है इंडिया स्टैग हो चुका है इन सभी देशों के साथ में। अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के साथ भी हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि आईआईटी दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस ये कहाँ पे खोला गया है, यूएई में, ठीक है, और आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस ये तंजानिया में खोला गया है, और ये देश का भी पहला है, यानी कि अपने देश के तरफ से पहला, और मद्रास का भी पहला ऑफशोर कैंपस तंजानिया में खोला गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो ऑफशोर कैंपस खुला, यानी कि दिल्ली का पहला खुला और देश का दूसरा जो है यूएई में खुला, ठीक है, याद रखना है। आगे पीएम नरेंद्र मोदी को कौन कौन सा, किस किस देश का सर्वोच्च अवार्ड मिला है, एक तो फ्रांस का, पापुआ न्यू गिनी का, फिजी का, पलाऊ का, मिस्र का, ये सभी अभी हाल ही में मिला है, ठीक है। आगे सूरी नाम का जो सर्वोच्च सम्मान था, जिसको द येल्लो स्टार कहा गया, ये जो है द्रौपदी मुर्मू, जो हमारा जो राष्ट्रपति है, उनको मिला, ठीक है। आगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, ये रतन टाटा को दिया गया है। आगे वंदे भारत ट्रेन निर्माण के लिए जो है किस देश के साथ समझौता किया है, तो फ्रांस के साथ समझौता किया है। फ्रांस के कौन सी कंपनी के साथ, अल्स्टॉम कंपनी के साथ भारत ने समझौता किया है वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए। आगे यहाँ पे कंटेंट फुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि कार्यक्रम को लागू किया गया है, किस लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इंटरनेट की सुविधा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे हाल ही में किस देश, किस राज्य के जडेड़ी नमकट्टी चेदीबुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है, ये तमिलनाडु का जीआई टैग है, ठीक है। जीआई टैग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या, अगर आपसे यह पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जीआई टैग है वो किस राज्य के पास है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु के पास है। दूसरे नंबर पर यूपी आता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जीआई टैग जो है ये 1999 एक्ट का है, ठीक है, 1999 एक्ट का है। ये पहली बार जो जीआई टैग 2004 में दिया गया था, किसको, दार्जिलिंग की चाय को। और ये जीआई टैग जो मिलता है किसी भी चीज या वस्तु को, वो 10 सालों के लिए होता है मान्यता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अमरोहा ढोलक, हाथरस का हींग, ये सभी यूपी को मिला है। ओथूर पान पत्ता, ये तमिलनाडु को मिला है। तमिलनाडु को ही कम्बम अंगूर का भी जीआई टैग मिला है। बस होली पेंटिंग का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला। नागरी दुबराज चावल, ये छत्तीसगढ़ को मिला। सुंदरजा आम, यहाँ पे सुंदरजा होगा, ठीक है, सुंदरजा आम, ये एमपी को मिला। इसाद आम, ये कर्नाटक को मिला। ये सभी जीआई टैग से था, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी, तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है 295 मिलियन डॉलर जो है इसकी सहायता की जाएगी, किसको, बिहार को, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए। यानी बिहार में जितने भी रोड हैं, अगर उसमें मरम्मत की जरूरत है तो वो मरम्मत करेंगे और उसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो है बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के तहत जो है एडीबी जो है इनको, बिहार राज्य को 295 मिलियन डॉलर की सहायता की करेगी, ठीक है। आगे देखा जाए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में होती है। 68 देश इसमें शामिल है, सदस्य देश। इनका मुख्यालय मनीला में है। मनीला कहाँ पे, फिलीपींस में। अच्छा, मनीला के बारे में दो चीज और आपको याद रखना है कि जो रेमन मैक्सेसे अवार्ड दिया जाता है ना, वो मनीला में ही दिया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, यह भी मनीला में ही स्थित है, ठीक। आगे एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स का ही बैंक है। ब्रिक्स देशों का बैंक कौन सा, एनडीबी, और एनडीबी का जो मुख्यालय है वो शंघाई में है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एनडीबी है इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, और वर्तमान में एनडीबी का अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ है। आपको ध्यान ये भी रखना है कि एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नवा, यानी कि नवीनतम जो सदस्य बना है वो मिस्र बना है, ठीक है। आगे एससीओ,
एससीओ जो है आपको ध्यान रखना है, शंघाई सहयोग संगठन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 1996 में इसकी स्थापना होती है और टोटल इसमें 9 सदस्य देश शामिल हैं अभी प्रेजेंट में। अभी पता है आपको हाल ही में जो नवा देश बना है एससीओ का, वो ईरान बना है, आपको ध्यान रखना है। आगे वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है। आपको ध्यान ये रखना है कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने कई बार आपको बताया कि आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों की स्थापना जो है एक सम्मेलन के तहत होती है। कौन सा सम्मेलन? ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत 1944 में होती है, ठीक है। इसकी स्थापना देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना तो इसी समय 1944 में हो जाती है, लेकिन आईएमएफ की स्थापना 1945 में होती है, ठीक है। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को मिला करके जो जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी में स्थित है। आगे की यूरो अपनाने वाला जो 20वां जो नवीनतम देश बना है वो क्रोएशिया बना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला है कि देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी, यह झारखंड में की जाएगी, ठीक है। और इनमें जो है झारखंड में कहाँ पे, जमशेदपुर में, और इसकी सहायता के लिए जो है ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है सामने आया है, यानी कि टाटा की एक कंपनी है, टाटा समूह की एक सहायक कंपनी है। इनके द्वारा जो है पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना में सहायता की जाएगी झारखंड में, ठीक है। आगे की श्रावणी मेला और सरहुल फेस्टिवल जो है ये झारखंड में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट रेल जो है ये झारखंड सरकार के द्वारा लागू किया गया है, किसके लिए, तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, ठीक है, अच्छे एजुकेशन के लिए। आगे के हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। समस्थानिक मतलब यह होता है कि किसी, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का उच्चारण हुआ है ना, तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक के बारे में कहा गया, यानी कि उसका परमाणु संख्या सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका जो परमाणु भार है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। देखिए इसे H1 है, H11, H12, H13, इस तरह से होगा, ठीक है। तो देखिए ये पहला 3 समस्थानिक है, तो पहला हो जाएगा आपका ट्राइटेरियम, ठीक है, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 जो है समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। आगे यहाँ पे क्रायोजेनिक ईंधन में जो है जो यूज होता है ईंधन, वो अति न्यूनतम ताप वाला जो ईंधन यूज होता है। बोकारो लौह इस्पात जो है, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट जो है, ये झारखंड में स्थित है और इस ये USSR के सहायता से बनाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे सूर्य पर ऊर्जा का जो स्रोत है, ये नाभिकीय संलयन के थ्रू जो है ये सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न होता है। आगे के हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहाँ किया है, तो वो चेन्नई में किया है। कहाँ पर? चेन्नई में किया है। देखिए आपको ध्यान रखना है, G20 का जो बैठक के तहत ये सभी जो है शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं आपको याद रखना है G20 के बारे में कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आपको मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली रिवीजन कराता हूँ, तो आज भी मैं जो है रिवीजन आपको करा रहा हूँ। G20 2023 का बैठक आपको पता है इंडिया अध्यक्षता कर रहा है, 2022 में इंडोनेशिया ने किया था और 2024 में ब्राजील करेगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। G20 में जो है अमिताभ कौन जो है भारत की तरफ से शेरपा है और इस बार की जो थीम है G20 का वो है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक। आगे G20 का प्रथम शेरपा बैठक कहाँ पे हुआ? उदयपुर राजस्थान में हुआ। प्रथम शिक्षा कार्य समूह का बैठक ये चेन्नई में हुआ है। G20 2024 का होस्ट किसने कौन करेगा? ब्राजील, मैंने बता दिया आपको। G7 याद रखना है, G7 का जो 2023 वाला बैठक हुआ है ये जापान में हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जापान में कहाँ पे? हिरोशिमा पर हुआ है। अच्छा, क्वाड का भी बैठक कहाँ पे हुआ है? तो जापान में हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया है कि क्वाड का जो बैठक है वो होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हुआ कहाँ पे? जापान में। इसीलिए मुझे लगता है कि क्वाड का जो है बैठक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो क्वाड में आपको पता है ना, टोटल 4 देश शामिल है। 4 देश कौन कौन सा है? अमेरिका है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों का ही अभ्यास जो है मालाबार अभ्यास कहलाता है, यानी कि क्वाड देशों का अभ्यास कहलाता है, ठीक है ना। आगे आई फ्लू में कौन सा वायरस होता है? एडिनो वायरस के कारण आई फ्लू हो रहा है। आगे यहाँ पे RBI डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 13.24% वृद्धि हुई है। अब बेस जो ईयर मान के ये सभी स्टार्ट किया गया 2018 को बेस ईयर्स माना है और ये रिपोर्ट जारी हो रहा है ये 2021 से हो रहा है, ठीक है।
आगे देखा जाए यहाँ पे कि आरबीआई का जिक्र हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की स्थापना जो है 1934 एक्ट के तहत होती है, कब? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। यंग हिंडल आयोग की सिफारिश पे होता है, यंग हिंडल आयोग की सिफारिश पर इनकी जो स्थापना होती है उस समय जो कोलकाता में स्थापना होती है, यानी कि उस समय कोलकाता उसका जो मुख्यालय होता है आरबीआई का, और अभी देखा जाए तो मुंबई इनका हेडक्वार्टर है। आपको ये समझना चाहिए कि जो आरबीआई की स्थापना कोलकाता में हुआ था वो उस समय जो आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था, ठीक है, ये सरकारी बैंक नहीं था, ये प्राइवेट बैंक था। 1937 में जो है जो कलकत्ता था हेडक्वार्टर उसको ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया गया, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि ये जो आरबीआई तो पता है हमको कि ये भारत का बैंक है, जी हाँ, ये भारत का बैंक कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी जब 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ ना, जब भी किसी चीज का राष्ट्रीयकरण हो जाता है इसका मतलब वो सरकार के अंडर में आ जाती है, यानी कि भारत का हो जाता है। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को हुआ, तब से जो है भारत का जो है आरबीआई जो एक केंद्रीय बैंक बन चुका है, ठीक है। तो याद रखना है कि इनका हेडक्वार्टर अभी मुंबई में है, अभी प्रेजेंट में गवर्नर शक्तिकांत दास है। अच्छा, मैं कुछ और क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब उस समय जो गवर्नर थे आरबीआई का वो ओसबोर्न स्मिथ था, अब पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, ठीक है। अब देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण मैंने बता दिया 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1955 में हुआ है, ठीक है, इससे पहले ये भी प्राइवेट बैंक था। आगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट और विश्व शांति रिपोर्ट, इसमें भारत का रैंक 126वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 127वां रैंक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 38वां रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161वां रैंक है। भुखमरी में भारत का रैंक 107वां रैंक है, ठीक है। वहीं आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा रैंक है भारत का। यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में तीसरा रैंक है भारत का। अच्छा, आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंक 13वां है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक मामले में 8वां रैंक है, ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो हरियाणा ने किया है। अच्छा, ये प्राण वायु देवता पेंशन क्या है? जिस भी पेड़ का एज 75 वर्ष से अधिक हो गया है उसे जो है 2500 प्रति वर्ष जो है उनके अकाउंट में पैसा दिया जाएगा, यानी कि जिस भी आदमी का वो पेड़ होगा उसको 2500 रुपया जो प्रति वर्ष उनको सीधे अकाउंट में दिया जाएगा, ठीक है। आगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और O2 गैस को रिलीज करते हैं। जब ये प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय जो है CO2 ग्रहण करते हैं, H2O जो है पेड़ पेड़ जो है जड़ से लेते हैं, उसके बाद जो ये C6H12O6 ग्लूकोज बना देते हैं यानी कि भोजन अपना, और CO2 यानी कि O2 जो है वो रिलीज कर देता है। ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स, अगर इसको बैलेंस किया जाए, कभी कभी बैलेंस करने को भी दे दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको 6 CO2 लगाना है, 6 H2O लगाना है, और यहाँ पे O2 जो रिलीज हो रहा है उसमें उसके आगे सिर्फ 6 लगा देना है। इस तरह से समीकरण जो है बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, आपसे यह पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो CO2 गैस लेता है और O2 छोड़ता है, लेकिन अगर कहा जाए कि श्वसन के दौरान पौधे क्या करते हैं, तो श्वसन के दौरान जो है उल्टा हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं श्वसन के दौरान, हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान हम लोग O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो पौधा भी जो है श्वसन के दौरान O2 लेता है, CO2 छोड़ता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। श्वसन के दौरान सभी जो है जितने भी जीव हैं वो O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा, चाहे कोई भी रहे, चाहे पौधा ही क्यों न रहे, ठीक है। आगे, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जी कन्ना बीरन को नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये 9 है, लास्ट में 9 है, जी कन्ना बीरन इनको नियुक्त किया गया है। आगे देखा जाए नियुक्ति संबंधी, टीवी नरेंद्रन, इन्हें हाल ही में टाटा स्टील कंपनी में जो है MD और CEO बनाया गया है। प्रवीण सूद को CBI का हेड बनाया गया है। VVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग के CEO बनाया गया है। नीति आयोग के बारे में पता होगा ना, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नीति आयोग की स्थापना जो योजना आयोग के स्थान पर होती है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? PM होता है। नीति आयोग का जो अभी उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के CEO कौन है? तो आप कहेंगे VVR सुब्रमण्यम है। आगे, जगदीश कुमार, ये UGC यानी कि जो ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके हेड हैं जगदीश कुमार। अगला जो अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित
डेनल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है, तो वह देश है स्पेन। ठीक है, स्पेन में ही भारतीय टीम ने जो है यह मैच जीता है, और स्पेन को ही हरा करके जो स्पेन में जीता है। ठीक है, स्पेन में कहाँ पे हुआ था ये? बार्सिलोना में हुआ था मैच। इसमें भारत ने ही जीता है, किसको हरा करके? खुद स्पेन को हरा करके। ठीक है, अच्छा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भारत के तरफ से कैप्टन थी वो सविता पुनिया थी। ठीक है, आपको याद रखना ये भी कि स्पेन की राजधानी मेड्रिड है। रानी रामपाल के सम्मान में किस शहर में स्टेडियम का नाम परिवर्तित किया गया है? तो रायबरेली में, जो यानी कि रायबरेली जो था उनका नाम बदल करके रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और याद ये भी रखना है कि हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2023 का, ये कहाँ होस्ट हुआ? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? राउरकेला स्टेडियम में। ठीक है, बिरसा मुंडा राउरकेला स्टेडियम में। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। आगे यहाँ पे यहाँ जो विजेता हुआ, यानी कि हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ भारत में, इसका विजेता जर्मनी रहा, उप विजेता ब्राजील रहा। टोक्यो जो ओलंपिक हुआ, आपको पता है ना, टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ, उसमें भारत का कुल 7 पदक रहा, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, और भारत का इसमें 48वां रैंक रहा। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल में देखा जाए तो 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत के हॉकी टीम ने भी जीता था। आगे इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट करीबन 20 मिनट में कंप्लीट आपको करा दिया। ठीक है, तो ये वीडियो की रिवीजन कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू चैनल है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।